हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिलीश सावलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरएस ऑटोमोटिव। तो भाई आज की वीडियो में ना मैं एक भाई कोई भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, पहले ही बता देता हूं। और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था इस वीडियो को बनाने का। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा कोई व्यूज लाने का मकसद नहीं था, बस लोगों को अंदर से ना ऐसा फील आना चाहिए कि नहीं, अभी यह चीज़ का सही वक्त है और अभी यह चीज़ को करना है। तो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो करंट सिचुएशंस आप सबको पता ही है कि इंडिया और चाइना के बीच जो है वॉर की बातें हो रही है। तो भाई ऐसे में क्या सिर्फ जो है बॉर्डर पर जवानों को ही लड़ना है या हम सभी को लड़ना है? तो भाई इसका जवाब है कि नहीं, हम सभी को लड़ना है। तो भाई हम बॉर्डर पर जाकर तो नहीं लड़ सकते, बट जो हमारे आसपास जो चाइना घिरा हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं उसमें से कोई ना कोई चीज़ तो चाइना की है ही। ऐसा नहीं है कि चाइना की चीज़ों के बिना ही आपका घर है। चाइना की चीज़ें आप कोई ना कोई तो यूज़ करते होंगे, या वो स्क्रीन गार्ड हो गया या कवर हो गया या कोई भी चीज़ जो है चाइना की यूज़ करते ही है। ऐसा नहीं है कि मैं यूज़ नहीं करता, भाई मैं भी यूज़ करता हूँ। मैं जो भी शूट कर रहा हूँ वीडियो, वो स्टैंड चाइना का है, बाद में माइक चाइना का है। तो भाई हम ऐसे चाइना की चीज़ों जो है ना वो घिरे हुए, ऐसे में भाई हमें जो है इस चाइनीज चीज़ों को जो है धीरे धीरे दूर करना है। हर कोई जो यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर है वो अपनी कैटेगरी की वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि टेक्निकल गुरुजी ने अपनी वीडियो बनाई कि आप ऐप्स को दूर कर दीजिए। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में किस किस चीज़ों को दूर करना चाहिए जो कि चाइनीज है। ऐसा नहीं है कि ऑटोमोबाइल कैटेगरी में चाइनीज चीज़ें नहीं है, ऑटोमोबाइल कैटेगरी में भी भाई करोड़ों रुपए का जो है चाइनीज चीज़ों से भरा हुआ है। रोजाना करोड़ों रुपए की चीज़ें बिकती है इंडिया की मार्केट में, ऑटोमोबाइल कैटेगरी में ही। सिर्फ भाई ऑटोमोबाइल कैटेगरी आज इंडिया में इतनी बढ़ चुकी है कि भाई बात ही नहीं कर सकते। वैसे अगर ऑल ओवर व्हीकल्स की बात करें तो व्हीकल्स की कैटेगरी में इंडिया आता है पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पर। वैसे अगर व्हील्स को लेने के बाद जो मॉडिफिकेशंस की बात करें तो मॉडिफिकेशंस में जो यूनिक यूनिक एसेसरीज आती है इंडिया में, वैसे आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं दिखेगी। एक ही कार या एक ही बाइक की हजारों एसेसरीज आती है। मान लीजिए कि क्रेटा है, तो 2017 में क्रेटा की सिर्फ पूरे साल में हजारों ऐसी एसेसरीज आई होगी। अलग अलग कंपनियां अलग अलग एसेसरीज निकालती है, एक ही जैसी एसेसरी में आपको जो है 10 से 12 या उससे भी ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो वैसे अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में चाइनीज एसेसरीज का जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आपको ऐसा लगता है कि भाई ऑटोमोबाइल कैटेगरी में चाइनीज चीज़ें है ही नहीं, बट यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा चाइनीज चीज़ें हैं। अगर इंडिया की कंडीशंस की बात करें तो भाई इंडिया में लोगों को जितना गाड़ी लेने में जो है उस शौक नहीं है, उतना तो गाड़ी को मॉडिफाई करने में शौक है। और मॉडिफाई के शौकीन जैसे कि हम लोग जैसे जो शौकीन वो मार्केट में जाते हैं। मार्केट में अगर मॉडिफिकेशंस देखें तो सभी चीज़ों में सबसे पहला ऑप्शन आता है चाइनीज़ का। लोग किसे ज़्यादा खरीदते हैं? चाइनीज़ को। लेकिन दुकानदार किसे प्रीफर करता है? वो प्रीफर करता है इंडियन चीज़ों को। बट फिर भी इंडियन चीज़ें महंगी है इसलिए बिकती है चाइनीज चीज़ें। अगर एसेसरीज की बात करें तो इतनी सारी एसेसरीज है, सीट कवर से लेकर म्यूजिक सिस्टम, HID, फोग लैंप्स, टेल लाइट, पिलर लाइट, एग्जोस्ट मफलर, ऐसी तो कई एसेसरीज है, क्योंकि सभी एसेसरीज आती है कहाँ से? चाइना से। आपने देखा होगा कि आप बाइक की मार्केट में जाए तो वहाँ ऐसे छोटे छोटे LEDs बिकते हैं। वो LEDs क्या 10 या 15 रुपए में आपको जो है इंडिकेटर में या पार्किंग बल्ब में फिट करके दे दिए जाते हैं। वो LED की बात करें तो भाई आपको ऐसा लगेगा कि यार 10 से 15 रुपए में ऐसा LED मिल रहा है, तो भाई हम एक ऐसे ही LED के लिए 250 रुपए क्यों खर्च करें? तो भाई लोग ऐसा कर करके चाइनीज चीज़ों को जो है उसे बढ़ाते जाते हैं। भाई मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक टाटा की ही कार लो, आप दूसरे ब्रांड की कार ना लो। आप कार में तो भाई जो है समझौता नहीं कर सकते, बट ये एसेसरी में तो आप समझौता कर ही सकते हैं। एसेसरी की बात करें तो भाई एसेसरी में ऐसा नहीं है कि इंडियन ऑप्शंस नहीं आते। हाँ, एसेसरी में भी इंडियन ऑप्शंस आते ही है। कोई भी एसेसरी, वो लाइट हो, लाइट में आपको पता है चाइनीज ऑप्शंस आते हैं, वैसे साथ में इंडियन कंपनीज भी है।
जैसे कि सिमटेक, ये सब कंपनियां भी भाई लाइट्स बेचती है और ये मेड इन इंडिया ही बेचती है, लेकिन नहीं, लोगों को ये महंगी पड़ती है। तो भाई ये सस्ती चीजों के पीछे मत भागो। आपको भी पता है चाइनीज चीजें जो है ज्यादा जल्दी खराब होती है, फिर भी आप उसे लगवाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सस्ती है। तो भाई यही रियल टाइम है भाई चाइनीज चीजों को जो है निकालने का। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी गाड़ी में से एसेसरीज को निकाल कर उसे जला दीजिए या उसे तोड़ दीजिए, यह नहीं करना है। इससे चाइना का कुछ नुकसान नहीं होगा, बट आप अगली बार जब भी मार्केट में जाइए कुछ भी लें, तो भाई श्योर करें कि भाई हम एक इंडियन जो है चीज को ही खरीदें। इससे जो है वॉर से भी ज्यादा चाइना को इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप अगर आप ऐसे एक एक बंदे को जोड़कर काफी सारे लोग ऐसे एक एक करके इंडियन चीजों को खरीदेंगे, तो सबसे पहले तो भाई लोग सुधरेंगे तो दुकानदार सुधरेंगे तो ब्रांड सुधरेंगे, और अगर चाइनीज चीजें बिकेगी ही नहीं तो इंडिया में आएगी ही नहीं। तो भाई ये इस चीज को जो है श्योर कर लीजिए, और इस वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिए, जिससे कि लोग जो है चाइनीज चीजें ना खरीद कर एक इंडियन चीज की तरफ जाए। भाई इस वीडियो को बनाने का कोई भी व्यूज लाने का मोटिव नहीं है, कोई एक बंदा भी अगर भाई इस वीडियो को देखने के बाद चाइनीज चीजें नहीं लेता तो भाई काफी बड़ी बात होगी मेरे लिए। और अगर आप कोई भी एसेसरीज लगवाने की सोच रहे तो भाई पहले श्योर हो जाए, क्योंकि चाइनीज जो चीजें हैं ना उसके बॉक्स पर कुछ भी नहीं लिखा होता। भाई आपको ऐसा लगता है कि इसके बॉक्स पर कुछ नहीं लिखा तो यह मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना है, तो भाई कुछ भी नहीं लिखा, मतलब भाई ज्यादातर ऐसी एसेसरीज चाइना से ही आती है। कोई प्रॉपर ब्रांड है तो भाई वो शायद इंडियन हो सकता है, बट आप अगर कभी भी अगली बार जाए लेने तो भाई श्योर हो जाए कि हम एक इंडियन चीज ही खरीदे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, हो सके इतना ही, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी सजेशन या डिफिकल्टी है तो नीचे कॉमेंट कीजिए। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।